आज 2 अगस्त की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 2 अगस्त, तो आज की बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में रसोई गैस के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप गैस पर मिलने वाले सब्सिडी को चालू रखना चाहते हैं तो EKYC करवा लें। यह खबर के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस कनेक्शन के लिए EKYC कराने का निर्देश दिया है। जो भी उपभोक्ता LPG कनेक्शन का EKYC नहीं कराएंगे उनको सब्सिडी का लाभ मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए आप जरा भी देर ना करें। आपको बता दें कि राज्य भर के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं की EKYC करा दी गई है, वहीं पर अब सामान्य उपभोक्ताओं की EKYC कराई जा रही है, इसलिए गैस उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ लेने के लिए EKYC की प्रक्रिया को पूरा करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर EKYC कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको गैस कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाकर के चेक इफ यू नीड KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर के आ जाएगा। इस पेज पर क्लिक हियर टू डाउनलोड KYC फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जहां अब आपके सामने KYC फॉर्म आ जाएगा, उसे भर करके सबमिट करना होगा। आपका EKYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दोस्तों बिहार का मौसम एक बार फिर से बदला है। आपको बता दूं कि बारिश की दस्तक से उमस और फिर गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जब गुरुवार को प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है और कई जगहों पर तेज हवा और बारिश हुई है। आपको बता दूं कि आज शुक्रवार की सुबह को भी कई जगहों पर झमाझम बारिश होती रही, आसमान में काले बादल उमड़ते हुए दिखे। जब मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रह सकता है। जब मौसम में अचानक हुए बदलाव की वजह भी सामने आई है। जब दरअसल बिहार में पूरे अगस्त महीने बारिश कैसे होगी इसकी भी जानकारी सामने आ गई है। जब पटना और आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है, जुलाई के अंत और फिर अगस्त की शुरुआत में बारिश होने से शहर के अधिकतम तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट्स के अनुसार आज पटना के आसपास क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मानसून की एक अक्षीय रेखा बिहार की डेहरी से गुजर रही है। दोस्तों बिहार के सहरसा और पूर्णिया के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जल्द ही दोनों जिलों में नल से जल पहुंचाने का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सहरसा और पूर्णिया के 419 वार्डों में जल्द ही हर घर नल से जल पहुंचाने का काम शुरू होगा। जहां लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED के मुख्य अभियंता मोहम्मद सादुल्लाह जावेद ने बताया है कि हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है, अब जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे 60,000 से भी अधिक घरों में साफ पानी पहुंचेगा। दरअसल पहले यह मामला हाईकोर्ट में था, जिस वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था, काम रुका हुआ था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और सारी रुकावटें दूर हो गई है। दोस्तों किशनगंज में गुरुवार शाम एक तेज आंधी ने पूरे जिले में भयंकर तबाही मचाई है, जिसमें दर्जनों लोगों के घरों के छप्पर फाड़ दिए गए। साथ ही साथ कई जगहों पर विशाल किए पेड़ भी गिरने की सूचना मिली है, जिससे कई मुख्य सड़क से यातायात बाधित हो गया है। वहीं पर कोचाधामन प्रखंड के मौधों में आंधी के दौरान एक घर से उड़े टीन का शेड से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के दोनों पैर के नीचे हिस्से पूरी तरीके से कट गया है। यह घटना के बाद घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां से स्थिति को गंभीर को देखते हुए उसे किशनगंज हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायल व्यक्ति की पहचान मौदो पंचायत के भेबरा गांव का रहने वाला मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है। फिलहाल उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों जमीन विवाद के मामले से निपटारे को लेकर के किशनगंज पुलिस गंभीर हो गई है। जहां आए दिन जनता दरबार में भी जमीन विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। इसे लेकर के DM तुषार सिंगला की मौजूदगी में SP सागर कुमार ने सभी थानाध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी की गई है। इससे जमीन से संबंधित मामलों की थानावार समीक्षा की गई। बारी बारी से थानावार जमीन संबंधित विवादों की जानकारी ली गई है। थानाध्यक्ष को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। SP ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक शनिवार को CEO की मौजूदगी में जो जनता दरबार लगाया जाता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करें या ऐसा प्रयास करें कि मामले का निपटारा सुलह भी हो जाए। दोस्तों अररिया में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान लोगों ने गुरुवार को अररिया पूर्णिया मार्ग NH57 गैयारी पंचायत भवन के पास 2 घंटे तक जाम कर दिया, जिससे सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस और फिर बिजली विभाग के अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाया और विद्युत आपूर्ति फिर से चालू की, जिसके बाद ग्रामीण माने और फिर जाम को खाली सड़क से हटाया। आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने बताया है कि गैयारी फीडर के लाइन में दूसरे
गाँव की बिजली को जोड़ दिया गया है, जिससे गैयारे में बिजली व्यवस्था बाधित होती रहती है। जहाँ अधिकारियों को कई बार इसकी जानकारी भी दी गई, फोन भी किया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर के सड़क को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में हुई लूटकांड में पुलिस ने गुरुवार को दो लाइनर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से पेटेनियम और गोल्ड और फिर डायमंड की अंगूठी बरामद किया गया है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया है कि दोनों बदमाशों लुटेरों को रहने की व्यवस्था और फिर आर्थिक मदद की थी। एसपी ने बताया है कि पूर्णिया पुलिस और फिर एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने पश्चिम बंगाल के मालदा और फिर पटना में छापेमारी की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से तनिष्क शोरूम से लूटी गई प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड की अंगूठी, दो बाइक, लूट के दौरान पहना गया कपड़ा, मास्क और दो मोबाइल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचल थाना के मोजपुर गुरु बालूग्राम निवासी स्वर्गीय इमाम शेख के बेटे मोहम्मद सनीउल शेख के रूप में की गई है। वहीं पर दूसरे बदमाश की पहचान वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र के मझोली गाँव निवासी स्वर्गीय रामचंद्र चौधरी के बेटे कुंदन कुमार के रूप में की गई है। दोस्तों, एक साल पहले बनकर के तैयार हुई नई संसद भवन की छत से पानी लीक होने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि संसद की लॉबी में छत से पानी गिर रहा है और उसके नीचे एक बाल्टी रखी हुई है जिसमें पानी जमा हो रहा है। ये वीडियो कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शेयर करके सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक हो रहा है। इसे लेकर के लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि ग्रीन संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद लगाए गए हैं, यानी कि ग्लास डोम लगाए गए हैं, ताकि नेचुरल लाइट आ सके। इसमें लोबी भी शामिल है। बुधवार को भारी बारिश के बाद ग्लास डोम को सील करने के लिए लगाया गया ग्लू हट गया था, जिसके चलते पानी का रिसाव हुआ, हालांकि इसे अब ठीक कर लिया गया है। वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इस नई संसद से अच्छी तो वह पुरानी संसद थी, जहां पर पुराने संसद भी आकर के मिल सकते थे, या क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, या कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपये से पानी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझ कर के बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर कुछ और। दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के चार जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 14 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात की चपेट में आने की वजह से गया जिले में 5, जहानाबाद जिले में 3 और रोहतास एवं नालंदा जिले में 2-2 व्यक्तियों की जान गई है, तथा मुख्यमंत्री ने इन जानों पर इन गहरी शोक संवेदना जताई है। जान जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का आदेश दिया है, निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम से पूरी तरीके से सतर्क रहें। यह खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझाव का अनुपालन करें। दोस्तों, बिहार में जल्द ही 20,000 से अधिक सिपाही की पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दूं कि विभाग के डीआईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया है कि जल्द ही नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 20,000 सिपाही और फिर 2,000 सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की भर्ती का प्रस्ताव है। वहीं पर पुलिस और निरीक्षक के 1275 पदों पर आज से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया अभ्यर्थियों के संबंधित जिले में डीआईजी के दफ्तर में होगी। जहां रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया है कि जरूरी दस्तावेज के साथ अभ्यर्थियों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होकर के योगदान देना होगा, जहां समय की अवधि के अनुसार योगदान नहीं देने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, छपरा के तरैया सीओ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जब वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। सीओ श्रेया मिश्रा के खिलाफ लेटर जारी कर दिया गया, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, यही है श्रेया मिश्रा। आपको बता दूं कि विभाग मुख्यालय पटना में सेवा देने का आदेश जारी कर दिया। जहां वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। जारी पत्र के अनुसार प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व और भूमि सुधार विभाग पटना मुख्यालय में डेप्यूटेशन किया गया है। जब पत्र जारी होने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे जांच के दायरे में प्रशासनिक कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद श्रेया मिश्रा के 10 दिनों में की छुट्टी पर जाने की बात सामने आई है। वहीं पर वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंचल अधिकारी श्रेया मिश्रा 500 रुपए के नोट का बंडल ले रही है। हालांकि इस वीडियो में उन्हें पैसे देने वाले का चेहरा नजर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये
मालूम चल रहा है कि किसी काम को लेकर के पैसे के लेन देन से संबंधित बातचीत हो रही है। वहीं पर 500 रुपए का बंडल लेते हुए सीईओ ये पूछती हुई नजर आ रही है कि ये कितने रुपए हैं। इसके बाद रिश्वत देने वाला बता रहे हैं कि ये 21 है। वायरल वीडियो पहले भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड का बताया गया था। जब वीडियो वायरल किया गया उसके बाद वहीं पर श्रेया मिश्रा पर कार्रवाई को वायरल वीडियो मामले से जोड़ करके देखा जा रहा है। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीमांचल से नफरत करते हैं? क्या सीमांचल वासियों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नफरत करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये बात ऐसे क्यों कह रहे हैं। हम आपको सबूत के तौर पर दिखाएंगे और सबूत देख करके आप भी अंदाजा लगा लेंगे कि सच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सीमांचल वासियों से नफरत करते हैं, सीमांचल से नफरत करते हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री पूरे बिहार के होते हैं। बिहार के जितने भी क्षेत्रफल हैं उस क्षेत्रफल में रहने वाले लोग, उस क्षेत्रफल की वस्तुएं, उस क्षेत्रफल की जमीन बिहार सरकार की होती है। और बिहार सरकार में जो मुखिया होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं, वो इसकी देखरेख करते हैं, वो इसके मालिक होते हैं। बिहार के किसी भी कोने के अंदर कोई भी घटनाएं घटती हो तो इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होती है। और बिहार सरकार इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं ये बिहार सरकार पर ही निर्भर करता है। लेकिन हम आपको भी बताएंगे कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीमांचल से नफरत क्यों करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार के अंदर कोई भी घटनाएं घटती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत उस पर रिएक्शन देते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में कहीं भी कोई घटना घटती हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत उस पर रिएक्शन देते हैं। और अगर कोई अगर मृत्यु हो जाती है तो शोक संतप्त जताते हैं, चाहे पोस्ट करके द्वारा हो या फिर मीडिया में बाइट के द्वारा हो। लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन इसी बीच अगर सीमांचल में कोई घटना घट जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। बोलना तो छोड़ ही दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं या फिर फेसबुक पोस्ट भी करना मुनासिब नहीं समझते हैं। हम आपको सबूत के तौर पर दिखाएंगे कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे सीमांचल वासियों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं। दरअसल एक महीना के अंदर की बिहार में घटित घटनाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो एक महीने में सीमांचल में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं पर सीमांचल को छोड़ करके अन्य जगह पर, अन्य क्षेत्र में या फिर अन्य प्रदेश में कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत उस पर रिएक्शन देते हैं। हाल फिलहाल ही किशनगंज में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी थी और ये सभी अररिया के रहने वाले थे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर एक भी शब्द नहीं बोला है। बोलना तो दूर की बात, एक ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अन्य हिस्सों में कोई भी घटनाएं घट जाती है, एक व्यक्ति की भी अगर किसी तरह से मृत्यु हो जाती है तो उस पर वो तुरंत रिएक्शन देते हैं और तुरंत उसके प्रति, उसके परिवार के प्रति शोक संवेदना जताते हैं। वहीं पर सीमांचल में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, कुछ भी परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। हो सकता हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर वोट बैंक की राजनीति करता हो क्योंकि सीमांचल से उनको वोट बहुत कम जाते हैं। अगर किशनगंज के बारे में अगर बात किया जाए तो किशनगंज में नीतीश कुमार के एक भी विधायक नहीं है, एमपी तो खैर है ही नहीं लेकिन विधायक भी नहीं है। वहीं पर सीमांचल के 4 जिलों में से नीतीश कुमार की एक भी एमपी नहीं है। हालांकि बीजेपी कोटे से अररिया से एमपी जरूर है, बाकी 3 जिलों में सीमांचल के जो 4 जिला है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इस 4 जिलों में से 3 जिलों में महागठबंधन का कब्जा है। जहां पूर्णिया को भी अगर लगा दे तो जोड़ दे तो, क्योंकि पूर्णिया भी निर्दलीय से पप्पू यादव जीते हैं लेकिन वो अपने आप को कांग्रेसी बोलते हैं तो उसको आप कांग्रेस पार्टी से जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीमांचल के 4 जिलों में 3 जिले महागठबंधन के कब्जे में है और एक बीजेपी के, जबकि नीतीश कुमार के कोई भी एमपी नहीं है और किशनगंज में तो कोई विधायक भी नहीं है। शायद इस वजह से नीतीश कुमार किशनगंज में या फिर सीमांचल में कोई घटनाएं घटती हो तो कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। दरअसल हम आपको एक तस्वीर के साथ, ट्वीट की कोई तस्वीर है, उस तस्वीर के साथ हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर हम 1 जुलाई से शुरू करते हैं, 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच। तो 1 जुलाई में वज्रपात की वजह से औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत हुई थी, बक्सर में 1, भोजपुर में 1 व्यक्ति की मौत हुई थी और नीतीश कुमार तुरंत इस पर रिएक्शन दिया था। ट्वीट करते हुए बताया था कि यहाँ पर इतनी मौत हुई है, हम इसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और परिवार के परिवारों को, इनके मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया था नीतीश कुमार ट्वीट करके। आप ट्वीट भी देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। उसके बाद फिर 2 जुलाई को भी ट्वीट किया था। 2 जुलाई को अपने बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो धार्मिक सत्संग का कार्यक्रम हुआ था उसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट करते हुए दुख जताया था, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए। वहीं पर 3 जुलाई को वज्रपात की वजह से भागलपुर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण में 1-1 लोगों की मौत हुई थी, जिसके प्रति भी नीतीश कुमार ने दुख जताया था और 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की थी। वहीं पर 7 जुलाई को वज्रपात की वजह से नालंदा, वैशाली, भागलपुर, सहरसा, रोहतास और सारण में 1-1 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने दुख जताया था और 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। वहीं पर 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना हुई थी, बस दुर्घटना हुई थी जिसमें से कई लोगों की मौत भी हुई थी, इसके बारे में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया था। वहीं पर 10 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश के ही अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बस दुर्घटना हुआ था और इसमें से भी कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से नीतीश कुमार ने दुख जताया था। वहीं पर 9 जुलाई को बेगूसराय के एक FCI थाना क्षेत्र के रतन चौक पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी, नीतीश कुमार ने इस पर भी दुख जताया था। वहीं पर 11 जुलाई को वज्रपात की वजह से सुपौल, सिवान, रोहतास में एक एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसमें जिस पर नीतीश कुमार ने दुख जताया था। वहीं पर अब 16 जुलाई के बारे में अगर बात किया जाए तो 16 जुलाई में अनुमंडल के बख्तियारपुर में 6 लोगों की मौत हुई थी सड़क दुर्घटना की वजह से, जिस पर नीतीश कुमार ने दुख जताया था। वहीं पर आज से दो दिन पहले वैशाली में 4 लोगों की मौत हुई थी, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के पास सड़क हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, इस पर नीतीश कुमार ने दुख जताया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 14 जुलाई को किशनगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ था जो कि पौवाखाली में हुआ था और यहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई थी जो कि अररिया के सभी रहने वाले थे, और नीतीश कुमार ने एक भी ट्वीट नहीं किया, न ही कोई बयान दिया इस पर। इस बात से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार सीमांचल वासियों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि सीमांचल से उसको कोई मतलब नहीं है, सीमांचल पर से उनको शायद वोट नहीं जाता है, सीट नहीं जीत पाते हैं, इस वजह से शायद खुन्नस निकाल रहे होंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी।